हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआईजेड प्लस, इंडिया नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंजीनियर्स। और आप देख रहे हैं हीट ट्रांसफर का लेक्चर, जिसमें आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो गेट में पूछे गए हैं। और टॉपिक होगा हमारा कंडक्शन इन सिलेंडर्स एंड अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन के। ठीक है, तो हमने सिलेंडर के कुछ क्वेश्चन कल भी डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं मैं जो आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, इससे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जिन्होंने हीट ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो हीट ट्रांसफ़र को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट www.cizplus.com पर जाओ। वेबसाइट www.cizplus.com, वहाँ पर आपको हीट ट्रांसफ़र का लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड कोर्स डिज़ाइन किया गया है, उसको आप इनरोल कर सकते हो और हर एक लेक्चर को सीक्वेंस वाइज पढ़ सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप ये कोर्स को कंप्लीट पढ़ लोगे। ठीक है, आप विजिट करना, वहाँ पे आप कोर्स, कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हो। आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी इंजीनियरिंग सर्विस, SSC, JEE, SDE एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर विजिट करो और कोर्स परचेज करो, आप सीक्वेंस वाइज पढ़ना शुरू करो। दूसरी चीज़, यहाँ पर यूट्यूब पर मैं आपको पता ही चल गया होगा, दो लेक्चर हमारे आ चुके हैं हीट ट्रांसफर के, ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं क्वेश्चन के जरिए आपको कंसेप्ट को इंटरलिंक करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। और भी टीचर्स लेके आएंगे कुछ सब्जेक्ट से, मैं भी लेके आऊँगा। इसीलिए जो भी मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, अब जग जाओ, अब क्या है, पढ़ाई का दौर स्टार्ट हो गया है सीआईजेड प्लस पर। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं वीडियो को लाइक करो और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन, हर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा प्ले स्टोर में जाके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वो बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि आप घर बैठे मोबाइल से ही बड़ी इजीली हर वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। और सबसे पहले क्या करना है सर, कैलकुलेटर लेके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और खुद से ट्राई करेंगे, आपसे पहले करके दिखा देंगे। वेरी गुड, मजा आ गया। लो क्वेश्चन नंबर वन क्या बात कर रहा है देखते हैं। स्टेनलेस स्टील ट्यूब KS का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है इस स्टील ट्यूब की, कितनी है, 19 वाट पर मीटर केल्विन, ऑफ 2 सेंटीमीटर इनर डाया एंड 5 सेंटीमीटर आउटर डाया, इज इंसुलेटेड विद 3 सेंटीमीटर थिक एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस हम जानते हैं ये होता है इंसुलेटिंग मटीरियल, ठीक है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.2 वाट पर मीटर केल्विन दे रखी है। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट सरफेस इज 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है इनर सरफेस ऑफ द पाइप और आउटर सरफेस ऑफ द पाइप विच आर इंसुलेटेड बाय द एस्बेस्टोस, ठीक है। द हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट लेंथ बता दो, पर यूनिट लेंथ का मतलब सब समझ गए होंगे, लेंथ दे रखी है 1 मीटर। सबसे पहली चीज, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ट्यूब है, कैसा ट्यूब है दिखाई देगा आपको। लो ये माय डियर फ्रेंड, ये ट्यूब है, देखो दिखाई देगा, ठीक है। इसकी इनर रेडियस दे रखी है, इनर रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर इज इनर रेडियस, और आउटर रेडियस है तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। ये ट्यूब की हमने थिकनेस बना ली, आपको फील हो रही होगी, देखो ठीक है। ये ट्यूब है स्टील का ट्यूब है, सबको दिखाई दे गया होगा। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है KS की वैल्यू दे रखी है 19 वाट पर मीटर केल्विन। यहां तक कितने लोगों को क्लियर है जल्दी बता दो। उसने बोला है, क्या बोला है इधर देखना, सर एस्बेस्टोस की 3 सेंटीमीटर थिक हमने इंसुलेशन लगा रखी है, इसका मतलब यहां से 3 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो कुछ इतना और इतना, इसने 3 सेंटीमीटर दोनों साइड होगा इंसुलेशन चिपका रखा है, देखो फील हो रहा होगा आपको। और ये है इंसुलेशन जो ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है इंसुलेशन, और ये इंसुलेशन किसका है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस देखो डायग्राम अगर आप बना लोगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम आपने बना लिया, 70% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेशन है जो कैलकुलेटर करेगा, हम क्या करेंगे फिर, हम तो डायग्राम बनाएंगे। बहुत अच्छे, देखो एस्बेस्टोस KA दे रखा है, क्या है, 0.2 वाट पर मीटर केल्विन, फील करना। उसने टेम्परेचर डिफरेंस भी दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर मैं बनाना चाहता हूँ, देखो इनर सरफेस का टेम्परेचर अगर मैंने T1 मान लिया
आउटर का मैं T2 मान लेता हूँ और ये टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है T1 माइनस T2 कितना है माय डियर 600 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, किसी कोई एतराज नहीं है, ठीक है। हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ पूछा है। हीट ट्रांसफर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना चाहते हैं वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बता दो एक्रॉस कहां से कहां तक हो रहा है। यहां से हो रहा होगा, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर होगा, कितना क्लियर है। यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है इन साइड से आउटसाइड सरफेस पर, तो कितने थर्मल रेजिस्टेंस आ रहे होंगे, एक थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन का स्टील पाइप में, दूसरा एस्बेस्टस इंसुलेटर में, दो थर्मल रेजिस्टेंस आ रहे हैं। मैं तुरंत लिख दूंगा थर्मल रेजिस्टेंस किसका, स्टील का, प्लस थर्मल रेजिस्टेंस किसका, एस्बेस्टस का, ए से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एस मीन्स स्टील। हम जानते हैं थर्मल रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना है, देखो यहां से यहां तक का डायमीटर, डायमीटर दे रखा है, इनर रेडियस देखना, इनर रेडियस दे रखी है यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, इसको मैं R1 बोल दूं। यहां से यहां तक की जो रेडियस है आउटर रेडियस R2 पाइप की, और 3 सेंटीमीटर कुछ और है, 3 सेंटीमीटर थिक दे रखा है उसने, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो रेडियस बन रहा होगा वो R3 होगा। अगर मुझे R1, R2, R3 पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, कैसे निकालेंगे R1, देखो कहां लिखूं, यहीं लिख लेते हैं लो। R1 की वैल्यू दिखाई दे रहा है सबको, बिल्कुल दे रहा है। R1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर है, इनर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, लो हमने लिख लिया। आउटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगी R2 2.5 सेंटीमीटर, देखते रहे ना 2.5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में बंद कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर की थिकनेस थी, 3 सेंटीमीटर की थिकनेस थी, 3 सेंटीमीटर की थिकनेस थी एस्बेस्टस की, 3 सेंटीमीटर की, R3 क्या हो गया R2 plus 3, मतलब कहने का 2.5 plus 3 कितना होता है 5.5, R3 की वैल्यू आ गई 5.5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे बहुत शानदार। अब हमको कुछ करना नहीं है, यहां पर लगाओ Q dot इक्वल टू Δt टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है अक्रॉस 600, लगाते रहो, अब कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व, कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया आप तो कैलकुलेशन करनी है आप कर लोगे उम्मीद करता हूं। थर्मल रेजिस्टेंस सिलेंडर के केस में कल ही बताया था, क्या था, log आउटर रेडियस R2 डिवाइड बाई इनर रेडियस R1 डिवाइडेड बाई 2 pi, इसकी बात हो रही है स्टील की, तो K ऑफ स्टील आएगी इनटू लेंथ, हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल, प्लस एस्बेस्टस का थर्मल रेजिस्टेंस, ये भी तो सिलेंड्रिकल है, सरफेस के ऊपर सिलेंडर के ऊपर इंसुलेशन अगर हमने चढ़ा दी तो ये भी तो सिलेंडर बनेगा, देखते रहना। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनर रेडियस R2 एक्ट करेगा, इनर रेडियस R2 एक्ट करेगा, आउटर रेडियस R3, एस्बेस्टस के लिए हम तुरंत लिख देंगे लॉग ऑफ R3 डिवाइडेड बाई R2 और 2 pi K ऑफ एस्बेस्टस इंटू L, क्या फील हुआ, बिल्कुल हो गया। यहां पर सारी वैल्यू रखेंगे, Q की जो वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग, सारी वैल्यू पता है R2 R1, देखो यहां पर वैल्यू रेडियस को सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, रख सकते हो, क्योंकि रेशियो है, रेशियो की डायमेंशन कट जाती है, नॉन डायमेंशन बचता है, तो किसी में भी रख लो, मीटर में रखना चाहते हो मीटर में, सेंटीमीटर में रखना सेंटीमीटर में, अगर सिंगल रेडियस आता तो मीटर में रखते हमेशा, ठीक है। यहां से जो वैल्यू आ रही होगी आफ्टर सॉल्विंग दिस रिजल्ट, KS की वैल्यू हमको पता है, सारी वैल्यू पता है, देखो KS KA, इन सबको पुट करने के बाद लेंथ हमारी 1 मीटर है, पर मीटर की बात किया, लेंथ क्या है 1 मीटर, ठीक है, लेंथ की वैल्यू क्या है 1 मीटर, क्या दिखाई दे रहा है सबको, बिल्कुल दे रहा है। तो क्यू डैश आ जाएगा, ये आएगा 944.72 और ये आ रहा होगा वाट पर मीटर, दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्यों लिया है, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कवर करना है एक क्वेश्चन के जरिए, यही तो हमारा मेन टारगेट है, यही हमारी मन की इच्छा थी, मन के अरमान थे कि सर 5 क्वेश्चन के जरिए 10 क्वेश्चन को कैसे लर्न करते हैं, देखो इधर जल्दी पढ़ो और सॉल्व करो। क्वेश्चन वन डायमेंशनल अनस्टडी स्टेट, हीट ट्रांसफर इक्वेशन फॉर अ स्पेयर विद हीट जनरेशन एट रेट क्यू कैन बी रिटन एज, हीट जनरेशन की बात किया है, वन डायमेंशनल की बात किया है, मतलब रेडियल डायरेक्शन लेनी है बस, अनस्टडी स्टेट की बात किया है, अनस्टडी स्टेट मतलब टाइम के साथ भी चीजें आ रही होंगी, देखो हर जगह टाइम के साथ दे रखा है टेम्परेचर, और
स्पेयर की लिखनी है, हीट जनरेशन भी होना चाहिए। क्यों, क्या हीट जनरेशन? अब मैं आपको सारी इक्वेशन लिख के बता रहा हूं क्या होती है, देखना। पहले हम सिलेंडर की लिखेंगे, उसके बाद स्पेयर की, और स्लैब की मैंने लिख के दिखा दी थी, आपको पता है। देखो मैं सिलेंडर की बात करता हूं, सिलेंडर, फॉर सिलेंडर। पहले हम स्पेयर का लिख लेते हैं, लो फॉर स्पेयर, स्पेयर का ही लिख लेते हैं अगर आपके मन की इच्छा है तो। लो ये होती है, क्या होती है, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस टू अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस क्यू अपॉन के इक्वल टू वन अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये है स्पेयर की, सिमिलर है सिलेंडर की। बस एक चीज याद रखनी है, अभी मैं रिलेट कर रहा हूं, ये तो है इसकी, लेकिन ये ऐसा कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दिया हमको। इसको हम इसको और करके लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में, क्या, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल टी अपॉन डेल आर, अभी मैं बताऊं क्यों लिख सकते हैं, प्लस क्यू डॉट अपॉन के इक्वल टू वन अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। बोलो सर आपने इसकी जगह ये कैसे लिख दिया, फील करना, फील कैसे लिख दिया। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि ये वन अपॉन आर स्क्वायर चल रहा है बाहर, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, इसे फर्स्ट फंक्शन मानूं, इसे सेकंड फंक्शन मानूं, किसी कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल आर स्क्वायर। देखो जिसको मैथमेटिक्स आती होगी वो कुछ भी कर सकता है, हमने पहले ही बोला था। प्लस इसको एज इट इज सेकंड फंक्शन को डेल टी अपॉन डेल आर, और आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में टू आर होता है, देखो देखो, और ये टर्म ऐसे ही चल रहा है, मैं तो इसको रिलेट कर रहा हूँ ना। इसका मल्टीप्लाई किया, ये इससे तबाह हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसका किया तो आर स्क्वायर से ये बचा हमारे पास डेल स्क्वायर टी ओवर डेल आर स्क्वायर, प्लस यहां से आर कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, यहां बचा क्या टू, नीचे एक आर बचेगी डेल टी अपॉन डेल आर। कितने लोग इस चीज से सहमत हैं, कितने लोग इस चीज से सहमत हैं मुझे जल्दी बता दो, बिल्कुल सहमत हैं सर। और ये आ गया हमारा, क्या यही रिजल्ट ऊपर जो लिखा है इसके बराबर नहीं हो सकता, क्या मैं इसको इसको मैं तुरंत बोल सकता हूं क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। देखो क्या मैं तुरंत बोल सकता हूं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, बिल्कुल है। ऑप्शन तो हमें पता चल गया बी, ऑप्शन तो हमें पता चल गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, और हम यहां से रिलेट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमको पता चल गया ऑप्शन बी। वेयर क्यू क्या है, कोई अगर जानना चाहता है हीट जनरेशन, ये क्या है हीट जनरेशन, कोई अगर जानना चाहता है हीट जनरेशन, और अल्फा क्या है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी में यही रिलेट कर दे रहा हूं, पहले भी मैंने बताया होगा, पहले भी मैंने बताया होगा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, और ये होती है अल्फा इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन हीट कैपेसिटी, ये होता है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। यूनिट पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और किसकी होती है सेम यूनिट, सेम सेम किसकी होती है, काइनामेटिक विस्कोसिटी की, काइनामेटिक विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी की भी सेम यूनिट होती है, जिसे हम न्यू बोलते हैं। देखो हमने बहुत सारे कंसेप्ट रिलेट कर लिए, ठीक है। अब मैं सिलेंडर की ओर बता देता हूं आपको जल्दी फटाफट, फॉर सिलेंडर के लिए अगर लिखनी हो, फॉर सिलेंडर के लिए वन डायमेंशनल, फॉर सिलेंडर के लिए वन डायमेंशनल वन डी हीट ट्रांसफर अनस्टडी अनस्टडी और विद हीट जनरेशन, विद हीट जनरेशन, इधर देखते रहना, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इधर देखते रहो। हीट जनरेशन क्या है, सेम है, वहां पर टू आ रहा था, यहां वन आएगा, अभी रिलेट कराऊंगा। क्या होगी इक्वेशन, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस क्यू डॉट अपॉन के इक्वल टू वन अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। देखो एक इक्वेशन याद हो गई, दोनों इक्वेशन याद है 100%। कैसे, हमने बोला था स्पेयर की बात कर रहे थे, देखो स्पेयर की जब बात कर रहे थे तो स्पेयर में वन की जगह टू रिप्लेस हो जाता है, टू फॉर स्पेयर ओनली ओनली, और कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। देखो देखो हम कुछ नया थोड़ी बोल रहे हैं, टू आ रहा है, बाकी तो चीजें सेम है ना, बिल्कुल सेम है। इसको और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन आर डेल ओवर डेल आर ऑफ आर डेल टी अपॉन डेल आर, ये मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, दोनों टर्म की जगह ये कैसे लिखेंगे अभी बताया था, करके आप खुद कर लेना। लो प्लस क्यू डॉट अपॉन के इक्वल टू वन अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ, दिस इज द इक्वेशन फॉर सिलेंडर सिलेंडर। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल हो गई, हमने देख लिया। स्लैब की मैं बता चुका हूं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो अगर पसंद आ गया हो
कंसेप्ट अगर बेहतरीन लग रहे हो तो लाइक ठोको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट भी करो, मजा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। दे रहा अ सिलेंड्रिकल यूरेनियम फ्यूल रॉड, रॉड की बात हो रही है, रॉड होती है सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल बोला भी है, ऑफ रेडियस 5 mm इन अ न्यूक्लियर इज जनरेटिंग हीट एट द रेट ऑफ, इतने हीट जनरेशन दे रखा है, सीधा सीधा बोल देंगे हम, हीट जनरेशन दे रखा है 4 × 10⁻⁷, 10⁻⁷ वाट पर मीटर क्यूब, ये हीट जनरेशन दे रखा है रॉड का, किसका, रॉड का, न्यूक्लियर रॉड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियर रॉड। क्या क्लियर हुआ सबको, ये बात हो रही है न्यूक्लियर रॉड की, हीट जनरेशन दे रखा है। द रॉड इज कूल्ड बाई अ लिक्विड जिसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है 1000 W/m² एट 25 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट स्टडी स्टेट, टाइम के साथ चीजें चेंज नहीं हो रही, स्टडी स्टेट का मतलब ∆T/∆U = 0 होगा, बहुत अच्छे। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द रॉड पूछा है, देखो फील करना, मैं विजुअलाइज करा दूंगा डायग्राम से, देखो फील करो, हम रॉड बना रहे हैं, ये कोई रॉड है, और ये रॉड है तो सॉलिड होगी, देखो दिखाई दे रही है सबको, ये सॉलिड रॉड है और ये न्यूक्लियर रॉड है, हीट जनरेशन कर रही है उतना, ठीक है। हमने बोला इसके आसपास हमने लिक्विड रख दिया है ठंडा करने के लिए, देखो देखो ये लिक्विड है, दिखाई दे रहा होगा सबको, इसके चारों साइड लिक्विड होगा, चारों साइड तो होती नहीं सर, हर जगह लिक्विड होगा, ये तो समझ सकते हो, बहुत चालाक हो रहे हो, कोई बात नहीं, हो लेते हैं थोड़ा, देखो ठीक है। उसने बोला कि अगर ये लिक्विड है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड बोला है, हमने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन बोला है, इसकी एच वैल्यू है, एच वैल्यू दे रखी है कितनी, 1000 W/m² 1000 W/m² फील करना, फील बोला है, सरफेस टेम्परेचर बता दो, क्या सरफेस पे जो टेम्परेचर होगा ये होगा, और सरफेस पे हर जगह सेम टेम्परेचर होगा, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन दे रखी है, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन होती है, नहीं दे रखी तो यूनिफॉर्म होगी, हर जगह सरफेस पे टेम्परेचर होगा कुछ ना कुछ, क्या फील कर पा रहे हैं, बिल्कुल, हमने बोला कुछ सरफेस टेम्परेचर है। देखना मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज देखना, कि अगर ये कोई रॉड है, ये दिखाई दे रही सबको, ये कोई रॉड है, और अगर ये हीट जनरेट कर रही है तो इसमें हीट डेवलप हो रही होगी, और उसको हम ठंडा कर रहे हैं लिक्विड से, इसका मतलब सॉलिड सरफेस से लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी कन्वेक्शन से हो रही होगी, पहली चीज, इसका मतलब अगर हीट जनरेशन हो रहा है तो बाहर किससे जा रहा है, कन्वेक्शन से, स्टडी स्टेट मींस एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, टू सेटिस्फाई स्टडी स्टेट एनर्जी बैलेंस होगी, एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो बाहर गई, कन्वेक्शन आउट, तो हम तुरंत बोलेंगे कि हीट जनरेशन जो हुआ है, हीट जनरेशन इक्वल टू हीट कन्वेक्टेड आउट, हीट कन्वेक्टेड आउट, ये है कंसेप्ट, कन्वेक्टेड आउट। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था इसका सरफेस का, लेकिन फॉर्मूले कब तक याद रखोगे, कंसेप्ट पे जाओ, कंसेप्ट पे अगर जाओगे 100% चीजें समझ आएंगी। देखो हीट जनरेशन क्या है, कि एक यूनिट वॉल्यूम के लिए इतना हीट जनरेशन है, टोटल के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कोई बताएगा मुझे रॉड का, सिलेंडर का, ये होता है π r² × L, होता है नहीं होता, इंटू हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, q' दे रखा है, तो टोटल वॉल्यूम के लिए इतना हीट जनरेशन हुआ, हीट कन्वेक्टेड आउट क्या होता है फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, h सरफेस एरिया इंटू ∆T, ∆T क्या है, सरफेस टेम्परेचर माइनस का फ्लूड का टेम्परेचर, जिसे मैं टी इन्फिनिटी बोल सकता हूँ, फ्लूड का टेम्परेचर हमने बोल दिया टी इन्फिनिटी के बराबर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो क्या मैं सरफेस एरिया की बात करना चाहता हूँ, सरफेस एरिया की बात करना चाहता हूँ रॉड के लिए, सरफेस एरिया अभी बताया था हमने लास्ट लेक्चर में, πrL बताया, तो हम लिख देंगे πr² L (q′ = h सरफेस एरिया 2πrL इंटू सरफेस टेम्परेचर माइनस के टी इन्फिनिटी, क्या फील हुआ, चीर दूं कुछ, चीर दो सर, r से इस स्क्वायर को चीर दिया, l से l तबा कर दिया, और पाई से पाई को गुजार दिया, यहां से जो सरफेस टेम्परेचर का रिजल्ट आ रहा होगा, देखो q' बचा, r बचा, यहां 2 बचा, h बचा, तो q′ r/2h, और इस टी इन्फिनिटी को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट, देखो आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा सरफेस टेम्परेचर q′ r/2h + t∞। अब देखो, अब आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट आया कहाँ से, हम अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकता था, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए आया कहाँ से, एनर्जी बैलेंस करके आया। अब यहाँ पर हम टी सरफेस निकालना चाहते हैं, q' की वैल्यू पता है सबको, ये है 4 × 10⁷ लगा दो, 4 × 10⁷
रेडियस दे रखी है, कहाँ है, रेडियस 5 mm, रेडियस 5 mm, तो रेडियस 5 × 10⁻³ लिख देंगे, डिवाइडेड बाई क्यू, एच की वैल्यू 1000 थी, 10³ प्लस टी इन्फिनिटी 25 था, इसको सॉल्व किया, ये डिग्री सेल्सियस में आएगा रिजल्ट, ये रिजल्ट आएगा डिग्री सेल्सियस में, आफ्टर सॉल्विंग दिस टेम्परेचर जो आ रहा होगा सरफेस का वो आ रहा होगा 398 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में आएगा, डिग्री सेल्सियस को आप सॉल्व करना, उसे केल्विन में कन्वर्ट कर देना, प्लस 273 ऐड करके, क्योंकि एक डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं, और देख लेते हैं रिजल्ट कहीं मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, 100% कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्या ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, बेहतरीन क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, अब ये अनस्टडी स्टेट का क्वेश्चन है, बोल रहा है बायोट नंबर सिग्निफाइज, बायोट नंबर क्या होता है देखते हैं, फील करते हैं, बायोट नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ, मैं पहले बायोट नंबर बता देता हूं, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी बताएंगे, कि सर बायोट नंबर की बात करेगा, बायोट नंबर ये होता है ICR डिवाइडेड बाई ECR, अब ये ICR ECR क्या लिख देते हो सर, लो ये होता है इंटरनल कंडक्शन रजिस्टेंस, क्या होता है इंटरनल कंडक्शन रजिस्टेंस, ECR होता है एक्सटर्नल कन्वेक्शन रजिस्टेंस, क्या एक्सटर्नल कन्वेक्शन रजिस्टेंस, अब बोलो सर इंटरनल कंडक्शन रजिस्टेंस मतलब कहने का, अगर हमको अनस्टडी स्टेट पढ़ना है, अनस्टडी स्टेट का मतलब होता है कि टाइम के साथ अगर ये कोई हमारे पास स्पीयर था, इस स्पीयर का कुछ इनिशियल टेम्परेचर था एट टाइम इक्वल टू जीरो सेकेंड, एट टी इक्वल टू जीरो सेकेंड, और कुछ समय बाद एट टाइम इक्वल टू टी सेकेंड मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ इसका कुछ टेम्परेचर होगा फाइनल, वो बता दो क्या होगा, मतलब टाइम के साथ अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो कैसे निकालते हैं, उसे भी निकालते हैं अनस्टडी स्टेट से, लेकिन ये जो स्पेयर है इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, सेंटर से लेके यहाँ तक हर जगह मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर क्या है सेम है, और अगर टेम्परेचर सेम है इसका मतलब यहाँ बीच में कहीं रजिस्टेंस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि रजिस्टेंस आता है तो टेम्परेचर का वेरिएशन आता है, हमने देखा था स्लैब वगैरह के केस में रजिस्टेंस आ रहा था टेम्परेचर का चेंज आ रहा था, इसका मतलब इस पूरे स्पेयर में टेम्परेचर हर जगह सेम है, ये तभी हो सकता है जब इंटरनल कंडक्शन रजिस्टेंस बहुत कम हो, मीन्स अंदर का रजिस्टेंस बहुत कम हो, और इंटरनल कंडक्शन रजिस्टेंस अगर हमें निकालना है ICR, हम जानते हैं क्या होता है कि थिकनेस बता दो, इसकी थिकनेस को हम S से इंडिकेट करेंगे, यहाँ S इज अ पैरामीटर जो विच डिफाइंस द थिकनेस, इसके बराबर होगी, और डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया बता दो, फील करते रहना, देखना ये होता है, बाहर अगर कोई फ्लूड होगा किससे ठंडा कर रहे होंगे या फिर गर्म कर रहे होंगे किसी फ्लूड से, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा होगा तो कोई ना कोई फ्लूड होगा, बाहर कोई फ्लूड है तो कन्वेक्शन से हीट जा रही होगी, ये कोई फ्लूड है तो यहां पर कन्वेक्शन हो रहा होगा तो एक रजिस्टेंस आएगा एक्सटर्नल कन्वेक्शन रजिस्टेंस ICR ECR इसको बोलते हैं, क्या होता है कोई बताएगा, 1/HA ये होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो हमारा यही सॉल्व हो गया था, अब तो मैं बस आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, क्वेश्चन तुम्हारा यही सॉल्व हो गया था, इंटरनल कंडक्शन रजिस्टेंस कहां है, कहीं दिखाई दे रहा है, कंडक्टिव रजिस्टेंस इन द सॉलिड, बिल्कुल ठीक है, सॉलिड में होता है, टू द कन्वेक्टिव रजिस्टेंस इन द फ्लूड, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बायोट नंबर का रेशियो जो होता है हमने पता चल गया। अब अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं, देखो ICR कितना है, S upon KA डिवाइडेड बाई ECR क्या है, 1/HA, सरफेस एरिया दोनों के सेम होंगे, ए से ए को गुजार दिया मतलब तबाह कर दिया, ये एच ऊपर गया, ये आ गया फॉर्मूला HS/K, मैथमेटिकली बायोट नंबर इक्वल टू HS/K का फील होता है, बिल्कुल ठीक, तो ये है हमारा HS/K, वेयर S इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, और इसको जब सॉल्व करोगे स्पीयर के लिए तो ये आता है 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 4πr² स्पीयर के लिए ये वैल्यू आती है r/3, और यहाँ से हमको पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया, r/3, दिस इज द बायोट नंबर, लेकिन बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम होनी चाहिए टू सेटिस्फाई लंप्ड हीट एनालिसिस, आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। लो ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड होगा कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्पेरिकल स्टील बॉल ऑफ 12 mm डायमीटर इज इनिशियली एट 1000 केल्विन, टी इनिशियल दे रखा है, टी इनिशियल 1000 केल्विन,
इट इज स्लोली कूल्ड इन अ सराउंडिंग ऑफ 300 केल्विन, टी इन्फिनिटी की वैल्यू दे रखी सराउंडिंग की 300 केल्विन, द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द स्टील वॉल एंड द सराउंडिंग एच दे रखा है एच 5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, एच क्या होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील वॉल दे रखी है के ऑफ स्टील वॉल दे रखी 20 वाट पर मीटर केल्विन, देखते रहे ना, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द स्टील बॉल, क्या बोल रहा है ये कोई स्टील बॉल थी, यहां से सेंटर से लेके सरफेस तक का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा कंडक्शन रेजिस्टेंस की वजह से, बहुत ज्यादा होगा, कंडक्शन रेजिस्टेंस इज फार लेस देन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, यहां पर इज फार हायर देन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, स्मॉलर होगा बिकॉज कंडक्शन रेजिस्टेंस इज फार हायर, स्मॉलर बिकॉज कंडक्शन रेजिस्टेंस इज फार लेसर देन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, इसका मतलब एक बायोट नंबर होता है, अभी हमने बताया था बायोट नंबर जो होता है एच एस अपॉन के, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0.1 है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0.1 है तो ये सेटिस्फाई करता है लंप्ड हीट एनालिसिस को, अभी मैंने बताया था लंप्ड हीट एनालिसिस, और ये क्या बोलता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई इसका मतलब अंदर का टेम्परेचर चाहे सेंटर से लेकर सरफेस तक बहुत ही कम चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि अगर ये लेस देन 1 है इसका मतलब ये वैल्यू ECICR इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ECR होती है, अभी बताएं इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस के बराबर होती है, अगर ये वैल्यू लेस देन कम है इसका मतलब इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इज लेस देन एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो हम यहां से ये वैल्यू निकाल के देखेंगे एच एस बाई के, तो नसल्ट यहां से बायोट नंबर निकालेंगे, देखो बायोट नंबर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, बायोट नंबर क्या आएगा एच की वैल्यू 5, एस क्या होता है आर बाई 3, रेडियस बाई 3, और डायमीटर दे रखा है 12 mm, तो मैं रेडियस कर दूंगा, देखो यहां पर दे रखा है माय डियर कि ये दे रखा है एच की वैल्यू 5 इंटू रेडियस आर बाई 3 कर देना और डिवाइडेड बाई के की वैल्यू 20, जब इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू लेस देन आ रही होगी, इसको सॉल्व करोगे बायोट नंबर क्या आ रहा होगा लेस देन 0.1 ये आएगा, ठीक है इसको सॉल्व कर लेना, बायोट नंबर की वैल्यू आ रही होगी लेस देन 0.1, ठीक है, और जैसे ही लेस देन 0.1 आ जाएगी हम तुरंत बोल देंगे कि जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन द सॉलिड कम होगा लेस होगा, लेस कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ लार्ज दिख रहा है, एक यहाँ पर भी लार्ज दिख रहा है, स्मॉल बिकॉज कंडक्शन रेजिस्टेंस इज फार हाइयर, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो डिफरेंस नजर आता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, लार्ज तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, स्मॉल बिकॉज कंडक्शन रेजिस्टेंस इज फार लेस देन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्या क्लियर हुआ जल्दी बता दो, क्या एक चीज क्लियर हुई, बिल्कुल होगी, आज हमने देख लिया ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कल और हम अनस्टडी स्टेट के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अगर वीडियो वाकई में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों तक पहुँचाओ ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, अगर आप लोग नया जुड़े हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आज के लिए इतना ही बहुत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स से साथ जुड़ सकते हैं, और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, थैंक यू।